अब हम पिराना फिश के बारे में बात करेंगे कि ये कितना खतरनाक होता है, कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। तो ये पाया जाता है मीठे पानी, यानी कि साउथ अमेरिका में, बेसिकली साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है। और मीठे पानी के जो होता है, मीठा पानी में ये रहता है, यानी कि समुद्री में, समुद्री पानी में नहीं रहता है, ठीक है। ये मीठा पानी में पाया जाता है, मीठे पानी में, ठीक है, और बेसिकली साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। अब देखिए, ये खतरनाक कितना होता है, ये खतरनाक इतना होता है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी जीव पर अटैक करता है, अगर आदमी को ले लिया जाए, तो किसी आदमी पर अगर अटैक करता है तो इसके अटैक से उसका मौत तक हो सकता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये खतरनाक तो होता ही है, साथ में ये ग्रुप में रहता है, अकेला नहीं रहता। ग्रुप में क्यों रहता है? ग्रुप में इसलिए रहता है कि ये जानता है कि ये हिंसक है। जैसे कोई हिंसक जानवर होता है जो लैंड पे रहता है, उसी तरह ये हिंसक मछली है जो पानी में रहता है, ठीक है। और ये हिंसक होने के कारण स्वभाव से हिंसक है, और इसीलिए जब भी कोई दूसरा जीव इसके सामने पड़ता है तो ये उस पर अटैक निश्चित रूप से करता है, ठीक है। जैसे लैंड पर कोई बाघ, बाघ के सामने कोई पड़ जाता तो निश्चित अटैक करता है। जैसे गेंडा, गेंडा के सामने कोई दूसरा जीव पड़ जाता तो निश्चित अटैक करता है। उसी तरह ये जो है पानी में रहने वाला जीव है, मछली है, ये अटैक जरूर करता है। और इसके पास अटैक करने के लिए इसके मुंह में जो है सो दांत की तरह का स्ट्रक्चर आता है। ये भी इसमें एक मजेदार बात है कि इसको दांत नहीं होता है कहने के लिए, लेकिन दांत की जगह पे दांत की तरह ही धारी होता है, जो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही धारदार होता है। और अगर मान लीजिए इतना धारदार है कि इसको समझने के लिए, अगर मान लीजिए कि इसके ग्रुप में किसी एक जानवर को रख दिया जाए, ठीक है, तो कुछ समय बाद पता चलेगा कि जानवर का हड्डी तक भी बचा हुआ नहीं है, समझे, इतना ज्यादा ये खतरनाक होता है। इसके दांत में इतना ज्यादा धार रहता है, शार्पनेस रहता है, जस्ट कट कट जैसे कटर मशीन काटता है वैसे ही काट देता है, लेकिन कहने के लिए वो दांत नहीं है, वो दांत जैसा स्ट्रक्चर है बहुत शार्प होता है, बहुत धारदार होता है। तो ये है कि बेसिकली साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और वहां अक्सर ये जो है इंसानों पर इसका अटैक देखने को मिलता है जो पानी के अंदर जाता है, ठीक है।